यह है आपका अपना YouTube चैनल। आज जो आप देख रहे हैं, इस चैनल के जरिए दिल्ली के अंदर एक माह से भी ज्यादा इस सर्दी, खून जम जाने वाली इस बर्फ की सर्दी के अंदर भी वहां के उम्रदराज औरतें और नौजवान लड़कियां और छोटे छोटे बच्चे जो NRC और CAB और NPR के खिलाफ जो धरना दे रहे थे, चुपचाप साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ना वो किसी की नुकसान पहुंचा रहे थे, ना किसी के खिलाफ आवाज कर रहे थे, सिर्फ NRC और NPR के खिलाफ वहां पर ठहर कर वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये प्रोटेस्ट करने का हमारे इस हिंदुस्तान के आईन का हक है। हर किसी को, किसी के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है तो जुल्म को ना सहते हुए आवाज उठाने का हक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें देकर है। तो उस कानून को लेते हुए वहां के औरतों ने NPR और NCR और CAA के खिलाफ धरना दे रहे थे। तो आज वहां पर एक जालिम ने घुसकर गोलियां बरसाते हुए, ये कहते हुए गोलियां बरसा रहा था, ये लो आजादी करके गोलियां बरसा रहा था, और वहां की पुलिस भी चुप देख रही थी। ये देश अलामा इकबाल का है, बद्रुद्दीन तैयब जी का और सर सैयद अहमद खान का, शहीद अशफाकउल्लाह खान का, बहादुर जा सफर का, और रानी कित्तूर रानी चिन्नम्मा का, झांसी की रानी का, अजीजुल फातिमा का, जाकिर हुसैन का, और इस देश को अग्नि मिसाइल जो देकर है APJ अब्दुल कलाम उनका देश और टीपू सुल्तान का देश है। यहाँ पर जिनका गैरों का हक है इतना ही हमारा भी हक है। तो धरना देना सबका भी हक है, देते वहां पर NCR और NPR को धरना देकर बैठे हुए औरतों के ऊपर गोली बरसाते हुए एक आदमी जा रहा है, आप देख सकते हैं इस वीडियो से, और वहां की पुलिस भी चुपचाप खड़ी हुई है, और वहां के जो रिपोर्टर हजरत मीडिया वाले हैं वो बड़े जोरों शोर से वीडियो कर रहे हैं। वीडियो करने के बजाय जो वहां पर गोली बरसा रहा था उसको पकड़कर अगर पीटते तो सबक आता दूसरे को, वो ना करने के बजाय वहां पर वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना जुल्म हो रहा है वहां पर। अगर हमारे वजीर आजम ईमानदार हैं तो जाकर वहां के औरतों को दिलासा देकर NRC और NPR को मैं खिलाफ मैं वापस लेता हूं करके कह दे तो वहां की औरतें उठ कर जा सकते हैं। लेकिन ये NRC और CAB और NPR को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर यह पहला हमला नहीं है। इससे पहले JNU के ऊपर और उसके बाद में जमिया मिलिया के स्टूडेंट्स के ऊपर और फिर आज महात्मा गांधी के शहीद होने के दिन शाहीन बाग के अंदर जो धरना दे रहे थे उन औरतों के ऊपर भी गोलियां बरसाने, ये शाहीन बाग के औरतों के ऊपर एक मुजरिमाना साजिश करते हुए उस मुजरिम ने, उस जालिम ने वहाँ पर कैसे गोलियां बरसा रहा आप देख चुके हैं अपने स्टूडियो को। आप इस वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। अभी अभी गोली मारी है, संख का वो संख का पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस को बताइए।
हटाओ तरीके से अभी अभी गोली मारी है। संघ का था, संघ का था, संघ का वो संघ का अभी अभी गोली मारी है। संघ का था, संघ का था, संघ का वो संघ का।